हेलो, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? तो हमारी सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है सेंडमेयर रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है, क्लास 11, 12, जेई और नीट के एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन है। तो आज इस रिएक्शन के अंदर हम लोग बात करेंगे सेंडमेयर रिएक्शन की, न्यूक्लियर मैकेनिज्म ऑफ सेंडमेयर रिएक्शन की एंड द रिलेटेड क्वेश्चंस विद दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। सो माई सेल्फ डॉक्टर पीके सिंगल और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पंडित सिंगल सर पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, तो सबसे पहले मैंने वो लिखकर रखा है रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का नाम आपको पता होना चाहिए। तो मैकेनिज्म का नाम है रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। जब मैं मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करूंगा तो ये पूरा का पूरा वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं सेंडमेयर रिएक्शन की। देखिए, ये कंपाउंड है बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, जिसको बोलते हैं एनिलीन। यहां पर बेंजीन रिंग के ऊपर N2+Cl- है, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। जब हम एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड तक आते हैं तो बेटा दिस स्टेप इज नॉट द सेंडमेयर रिएक्शन, इट इज डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन की अगर आपको डिटेलिंग पढ़नी है तो आप चैनल पर जाइए, वहां पर आपको डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट मिल जाएगी। काफी अच्छे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस स्टेप को इसलिए लिखा क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखे गए हैं जहां पर स्टार्टिंग एनिलीन से करके इन्होंने सेंडमेयर को अप्लाई किया है। यानी सेंडमेयर रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से शुरू होती है और आगे की तरफ जाएगी। इससे जो पहले वाला स्टेप है ये डायजोटाइजेशन का स्टेप है, जिसमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एनिलीन की हेल्प से बनाया जाता है। तो हम बात करते हैं सेंडमेयर रिएक्शन की। तो सेंडमेयर रिएक्शन में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जिसको एराइल भी बोलते हैं, एराइल डायजोनियम सॉल्ट की हेल्प से हम लोग 4 different types के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्ट एंड एसिड विच वी आर यूजिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर हम CuCl/HCl, अगर हम लोगों ने इस कंडीशन को यूज किया यानी क्यूप्रस क्लोराइड और स्ट्रॉन्ग एसिड हमने HCl यहां पर लिया, इन दिस केस वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, यहां पर हम लोग को मिलेगा क्लोरोबेंजीन अलोंग विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बाई प्रोडक्ट सभी में रहने वाला है, आप मैकेनिज्म में अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मैंने यहां पर क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की जगह क्यूप्रस ब्रोमाइड एंड HBr लिया, HBr एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और क्यूप्रस ब्रोमाइड यहां पर कैटलिस्ट का काम भी करता है रिएक्शन के लिए और रिएजेंट भी है। तो हेयर यू आर गोइंग टू गेट ब्रोमोबेंजीन अलोंग विद नाइट्रोजन। इफ यू आर टेकिंग क्यूप्रस साइनाइड अलोंग विद KCN, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि हमने यहां पर HCN क्यों नहीं लिया इन प्लेस ऑफ, और ये बाई प्रोडक्ट आपको यहां पर मिला। यानी जैसे मैंने HBr लिया, HCl लिया, यहां पर मैंने KCN लिया, मैंने यहां पर HCN नहीं लिया। इन केस अगर मैं यहां पर HCN लेता, इसका रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनेंगे। HCN अगर मैं लेता तो याद रखिए कि HCN एक वीक एसिड है। क्या है? एक वीक एसिड है HCN, विच विल नॉट सपोर्ट इन द मैकेनिज्म ऑफ सेंडमेयर। ये मैकेनिज्म को सपोर्ट नहीं करेगा वीक एसिड होने की वजह से, इसलिए हमने KCN लिया। KCN एक आयोनिक नेचर का कंपाउंड है विच इमीडिएटली रिलीजेस CN-, K+CN- में डिसोसिएट होकर इजिली CN- को रिलीज कर पाएगा। इफ आई वुड टेक HCN, तो HCN क्योंकि वीक एसिड है तो इमीडिएटली डिसोसिएट नहीं होगा और CN- कंसेंट्रेशन को अच्छा नहीं बना पाएगा सोल्यूशन के अंदर। और अगर आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप चाहिए तो उस केस में क्यूप्रस ऑक्साइड लें, ऑल्दो इसमें हम थोड़ा वाटर भी अलग से डालते हैं, लगभग 25% के आसपास यहां पर वाटर डालते हैं। अगर हम मीडियम की बात करें तो लगभग 30-35% तक ये एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं। यहां पर हम लोग 40% के आसपास एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं, अगेन यहां पर हम लोग 40% के आसपास यूज करते हैं और यहां पर 25% इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको याद करें या ना याद करें, यह बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो बाई दिस वे यू कैन गेट योर प्रोडक्ट। सो ऑल दीज 4 reactions बेसिकली दे आर द सेंडमेयर रिएक्शन। इस अगर हम बात करते हैं क्लास 11, 12th स्टैंडर्ड की और जेई स्टैंडर्ड की या नीट पर,
तो ये क्लोरो और ब्रोमो पर ज्यादा पूछी जाती है, कभी कभी सीएन पर भी पूछते हैं। लेकिन हाइड्रोक्सीलेशन, ये लास्ट वाला जो मैंने रिएक्शन लिखा, ऑल दो ये सेंडमेयर है एग्जैक्टली, लेकिन इसको बहुत कम एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन नोट डाउन दिस एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, क्योंकि किसी भी, अगर आपको ऑर्गेनिक का एक्सपर्ट बनना है तो आप छोटे छोटे जो मैकेनिज्म के स्टेप्स हैं उनको बहुत जरूरी है कि आप समझते हुए चलें। तो आप इसको कंप्लीट करिए, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रिएक्शन की मैकेनिज्म को, यहां पर एक जनरल रिएक्शन में लिख दे रहा हूं। यहां पर हम लोगों ने N2Cl माइनस प्लस और यहां पर CuCl/HCl, ठीक 50-100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है। वी आर गेटिंग क्लोरोबेंजीन अलोंग विद नाइट्रोजन, दिस इज द जनरल एग्जांपल ऑफ सेंडमेयर रिएक्शन। नाउ लेट्स टेक द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ध्यान से समझे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए होता क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए कि यहां पर हम लोगों के पास है N2Cl माइनस है, N2 प्लस। आप याद रखिए नाइट्रोजन के पास प्लस क्यों आया, इसकी डिटेलिंग आपको डायजो वाली रिएक्शन में मिल जाएगी। अभी सबसे पहले क्या होता है कि जो CuCl, यहां पर Cl माइनस वन है तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, प्लस वन। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन है तो इसलिए यहां से Cl माइनस विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस कैटलिस्ट Cu प्लस वन, क्यूप्रस के थ्रू अट्रैक्ट किया जाएगा एंड यू विल गेट यहां पर बेंजीन रिंग नाइट्रोजन विथ पॉजिटिव चार्ज 3। दिस नाइट्रोजन 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका मतलब इस नाइट्रोजन के पास ये सिचुएशन आपके पास मिलने वाली है और यहां पर कॉपर के एक साइड पर ऑलरेडी Cl है, एक साइड पर और Cl आ चुका है, ये Cl माइनस, इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस वन, तो यहां जो कॉपर आपके पास है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, प्लस टू। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ये जो क्यूप्रस है, ये क्यूप्रस है, इट विल बी कन्वर्टेड इंटू क्यूप्रिक, ये क्यूप्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर दिस CuCl, दिस CuCl यानी क्यूप्रस क्लोराइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 50-100 डिग्री सेंटीग्रेड एज वेल एज HCl, इट विल होमोलाइटिकली डिसोसिएटेड, ये होमोलाइटिकली डिसोसिएशन हो जाएगा, जैसे मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं, होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन आपको पता है, ये होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन होने से ये इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस कॉपर के पास लाएगा, फाइनली यू विल गेट CuCl एंड कॉपर विथ फ्री इलेक्ट्रॉन अलोंग विथ दिस Cl विथ वन फ्री इलेक्ट्रॉन। ये लॉजिक सबको समझ में आया, ये वर्ड यहां पर जस्टिफाई हो रहा है, रेडिकल वर्ड यहां पर आ चुका है, ठीक है ना। तो रेडिकल, अब हम लोग बात करते हैं, ये हमारे पास है, यहां पर क्या होने वाला है, इधर ही लिख दें, चलो इसके आगे की मैकेनिज्म, चलो यहां पर भी हम कहां लिखें, यहीं लिख देते हैं। अब आप देखिए नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहां पर है पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज रिंग। अब आप ये याद रखिए कि ये जो फ्री रेडिकल है, ये जो फ्री रेडिकल है कॉपर वाला CuCl फ्री रेडिकल, ये CuCl का फ्री रेडिकल अब इस नाइट्रोजन के पास अटैक करेगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप हमेशा अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखेंगे, अगर फ्री रेडिकल अटैक करने के लिए आया तो इस बॉन्ड को होमोलाइटिकली टूटना ही पड़ेगा। फ्री रेडिकल हमेशा तब अटैक कर पाता है जब वहां पर वो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर दे। यही लॉजिक है कि इस नाइट्रोजन की मैं बात करूं, ये नाइट्रोजन का तो वैलेंसी पूरा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां से आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी इसका तो ऑक्टेट पूरा है, लेकिन इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। इसकी वजह से ये वाला जो बॉन्ड है ये होमोलाइटिकली टूटने वाला है, ये बीच में से जाएगा, बीच में से जाने की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा और यहां वाला इलेक्ट्रॉन इस रिंग को मिलने वाला है।
तो मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखकर आपको दिखा रहा हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहां पर नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, अभी पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ बात करते हैं, ये यहां पर ये सिचुएशन है, ये रिंग है। अब देखिए क्या हुआ, मैं बोल रहा हूं कि ये बॉन्ड यहां से चला गया, ये बॉन्ड चला गया, ये बॉन्ड जाने से ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को मिला, ये इलेक्ट्रॉन किसको मिला, इस नाइट्रोजन को ये इलेक्ट्रॉन मिला, इस नाइट्रोजन को ये एक इलेक्ट्रॉन मिला। ऑल्दो इस रिंग के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये रिंग के पास इलेक्ट्रॉन आने से ये फिनाइल फ्री रेडिकल बना, फिनाइल फ्री रेडिकल ये बना। आप अच्छे से चेक करिए क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड बीच में से डिसोसिएट हुआ होमोलाइटिकली, होमोलाइटिकली ये बॉन्ड डिसोसिएट होने से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन गया इस नाइट्रोजन के पास, ये इलेक्ट्रॉन गया इस कार्बन के पास जो कि यहां पर बैठा हुआ है, तो ये बन गया फ्री रेडिकल। ये कैसा फ्री रेडिकल बना, फिनाइल फ्री रेडिकल। ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस, क्योंकि ये बॉन्ड डिसोसिएशन किस वजह से हुआ, इस फ्री रेडिकल की वजह से हुआ, जिसकी वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट कर दिया जाएगा और फाइनली यहां से क्या मिल गया आपको, नाइट्रोजन मिल जा रहा है। सो दिस इलेक्ट्रॉन विल बी डोनेटेड बाई CuCl, ये इलेक्ट्रॉन CuCl के थ्रू डोनेट कर दिया गया है, दिस बिकम नाइट्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन गैस बन जाएगा क्योंकि ये जो पॉजिटिव है इस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो दिस नाइट्रोजन विल बी कैरिंग टू इलेक्ट्रॉन, अगेन दिस नाइट्रोजन विल बी कैरिंग टू इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो सभी के पास ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है और नाइट्रोजन यहां से रिलीज हो जा रही है। अब यहां पर आप ये जो देख रहे हैं फिनाइल फ्री रेडिकल, और ये CuCl जो फ्री रेडिकल था अभी वापस CuCl में कन्वर्ट हो चुका है, क्यूप्रस क्लोराइड जो आपने स्टार्टिंग में दिया था ये वापस आपको मिल गया जो यूटिलाइज हुआ था। अभी ये जो ये फ्री रेडिकल है यहां पर ये Cl फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाएगा और फाइनली यू विल गेट क्लोरोबेंजीन। सो दिस इज द मैकेनिज्म। यहां पर जो रेडिकल की बात है वो रेडिकल इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं फ्री रेडिकल इन्वॉल्व हुआ। न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर कैसे आया, न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर का मतलब होता है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला करेक्टर, जो कि Cu फ्री रेडिकल, CuCl ने जो फ्री रेडिकल था इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जिसकी वजह से ये इजिली बॉन्ड फिशन हुआ है। बॉन्ड फिशन कैसा हुआ, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन हुआ। एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर ये वैलिड है, सब्सटीट्यूट आपने कर दिया N2Cl- को Cl के अंदर। इसका सब्सटीट्यूशन के 4 अलग अलग हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देखे हैं, तो उनमें से किसी भी मैकेनिज्म को आप फॉलो करते हैं तो ध्यान ये रखना है कि यहां से निकलने वाला जो अगर हम लोग यहां पर CuBr ले रहे होते तो बिल्कुल सेम मैकेनिज्म से फाइनली यहां पर हमें Br मिलता, अगर हम लोग CuCn लेकर इस रिएक्शन को करते तो लास्ट में हमारे पास Cn मिलने वाला था। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां पर आप इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया, अगर कोई फ्री रेडिकल किसी भी रिएजेंट के ऊपर अटैक करता है या कंपाउंड के ऊपर, तो उस कंपाउंड को भी होमोलाइटिकल टूटना पड़ेगा, यानी बॉन्ड फिशन उसका होमोलाइटिकली होगा, वहां पर भी फ्री रेडिकल बनेंगे। बीच में से बॉन्ड टूटा, बीच में से बॉन्ड टूटने के बाद ही ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास आया और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, वो CuCl फ्री रेडिकल ने दिया। तो ऐसा करके एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये, एक यहां से मिल रहा है एक यहां से मिल रहा है, ये बात एकदम से क्लियर हो जा रही है। और जो पॉजिटिव चार्ज था वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो यहां से आपको मिला उसने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, दैट इज वाई यहां पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया एंड यू आर गेटिंग नाइट्रोजन। तो यहां से नाइट्रोजन एलिमिनेट हो रही है। तो दिस इज द मैकेनिज्म, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया थोड़ा सा रिवाइंड करके आप देखिए, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्लियर, अब एक दो क्वेश्चन इस पर देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो सी द क्वेश्चंस, हमें इन रिएक्शंस को अकॉर्डिंग टू सैंडमेयर सॉल्व करना है। आई एम नॉट सेइंग कि वी हैव टू कंप्लीट इट, हम लोग को अकॉर्डिंग टू सैंडमेयर इनमें से कौन सी सैंडमेयर रिएक्शन है, अगर वो सैंडमेयर रिएक्शन है तो इसको सॉल्व करना है, अगर वो सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है तो फिर हम उसको छोड़ देंगे कि ये रिएक्शन सैंडमेयर नहीं है, ऑल्दो उसका दूसरा सॉल्यूशन है वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए सबसे पहले रिएक्शन में हम लोगों ने जो डायजोनियम सॉल्ट लिया है
वो बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड ना लेकर हाइड्रोजन सल्फेट लिया है, ये भी पॉसिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम कॉपर नाइट्रेट साथ में कोई एसिडिक मीडियम ले ले रहे हैं, सपोज करिए मैंने H प्लस लिखा, तो उस केस में ये हाइड्रोक्सी फॉर्म में आपका कंपाउंड मिलने वाला है। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज द सैंडमेयर रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन में यहां पर देख रहे हैं, दूसरे रिएक्शन में हम लोगों ने फ्लोराइड लिया है, क्यूपरस फ्लोराइड विद HF, क्यूपरस फ्लोराइड विद HF। याद रखिए फ्लोरीन को अगर आप डायजोनियम सॉल्ट को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं तो इट्स नॉट अ सैंडमेयर रिएक्शन, ये सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है। याद रखिए सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है। इसके अलावा एक अलग रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे बाद में जिसको हम बाल्ज शीमैन रिएक्शन बोलते हैं, बाल्ज शीमैन रिएक्शन उसको बोला जाता है। उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डायजोनियम ग्रुप को हेलोजन में जो फ्लोरीन है विच इज हाईली रिएक्टिव एक्सप्लोसिव नेचर का कंपाउंड माना जाता है, इसको यूज कैसे करते हैं इसके साथ, दिस विल स्टडी इन बाल्ज शीमैन बट नॉट इन सैंडमेयर, सैंडमेयर में इसको नहीं पढ़ सकते। यहां पर आप देख रहे हैं Cu2Cl2 विद HCl मैंने लिखा है। अगर हम बात करते हैं CuCl की, सिमिलरली CuCl एक्चुअली अकर इन डाइमेरिक फॉर्म, इसलिए आप क्यूपरस क्लोराइड को Cu2Cl2 भी लिख सकते हैं, यानी बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, इसमें कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है कि यहां पर Cu2Cl2 क्यों लिख दिया, क्योंकि इट इज ऑल्सो क्यूपरस क्लोराइड जिसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, सो यू विल गेट क्लोरोबेंजीन एज द मेन प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में देख रहे हैं यहां पर CuCn से लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि यहां पर हम HCn यूज नहीं कर सकते। क्यों HCn यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक वीक एसिड है, और अगर हमें इसको सैंडमेयर की फॉर्मेट में चलाना है तो हम लोग को HCn की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, KCn। अगर HCn लिखा है तो हम बोलेंगे सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है। अगर इसको हम लोग को करना ही है सॉल्व तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर HCn की जगह KCn लिखकर देन वी विल गेट आवर प्रोडक्ट इन दिस वे, तब हम लोग को साइनोबेंजीन मिल जाएगा। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस कि हाउ यू हैव टू डील विद सैंडमेयर रिएक्शन, कैसे आपको सैंडमेयर रिएक्शन के लिए डील करना है। मुझे लगता है पूरा कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, आराम से पढ़ते रहिए, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सो कीप लर्निंग एंड डू वेल।